और अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर, रामलला की नई मूर्ति का नाम होगा बालक राम। रामलला की मूर्ति को बालक राम के नाम से जाना जाएगा। तो बड़ी खबर, रामलला की नई मूर्ति का नाम बालक राम होगा। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, अयोध्या से रामलला की मूर्ति को बालक राम के नाम से जाना जाएगा। और 5 वर्ष के बच्चे के रूप में स्थापित है प्रतिमा, जिसका नामकरण किया गया है। और अयोध्या के राम मंदिर में कल की गई थी प्राण प्रतिष्ठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ था। और पुजारी अरुण दीक्षित ने बालक राम नाम रखने का कारण भी बताया है। बाल स्वरूप होने की वजह से बालक राम नाम रखा गया है भगवान की प्रतिमा का। तो बड़ी खबर अयोध्या से इस वक्त की, रामलला की नई मूर्ति का नाम बालक राम होगा। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की अयोध्या से मिल रही है। बता दें कि रामलला की मूर्ति को बालक राम के नाम से जाना जाएगा। और 5 वर्ष के बच्चे के रूप में स्थापित है भगवान श्री राम की प्रतिमा। और अयोध्या के राम मंदिर में कल की गई थी प्राण प्रतिष्ठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा की थी और पुजारी अरुण दीक्षित ने बालक राम बालक नाम रखने का कारण भी बताया है। दादी की बाल स्वरूप होने की वजह से बालक राम नाम रखा गया है। बड़ी खबर अयोध्या से, जहां पर रामलला की नई मूर्ति का नाम बालक राम होगा। और रामलला की नई मूर्ति को बालक राम के नाम से जाना जाएगा। 5 वर्ष के बच्चे के रूप में स्थापित है भगवान श्री राम की प्रतिमा। और अयोध्या के राम मंदिर में कल प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी। इसी बीच पुजारी अरुण दीक्षित ने बालक नाम रखने का भी कारण बताया है। बाल स्वरूप होने की वजह से बालक राम नाम रखा गया है। पर अयोध्या से, जहां पर रामलला की नई मूर्ति का नाम बालक राम होगा। रामलला की मूर्ति को बालक राम के नाम से जाना जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की अयोध्या से, जहां पर भगवान श्री रामलला का नामकरण किया गया है बालक राम के नाम से। प्रभु श्री राम की प्रतिमा को जाना जाएगा। रामलला की मूर्ति को बालक राम के नाम से जाना जाएगा। 5 वर्ष के बच्चे के रूप में भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापित है अयोध्या के राम मंदिर में। कल प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। पुजारी अरुण दीक्षित ने बालक नाम रखने का भी कारण बताया है। उन्होंने कहा कि बाल स्वरूप होने की वजह से बालक नाम रखा गया है। खबर इस वक्त की अयोध्या से, जहां पर रामलला की नई मूर्ति का नाम बालक राम होगा। रामलला की मूर्ति को बालक राम के नाम से जाना जाएगा। 5 वर्ष के बच्चे के रूप में स्थापित है प्रतिमा।